बृंदा कारी जी जो दलित आंदोलन चल रहा है उसमें बड़े हिस्सा ले रही हैं और ये समाज से भी बहुत, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे आगे खड़े होते हैं। इस समय जो देश की जो वर्तमान स्थिति है मैडम वो बड़ी नाजुक है। नाजुक बनाया जा रहा है, देश हमारा मजबूत है, देश को कमज़ोर करने के लिए, नाजुक बनाने के लिए आरएसएस बीजेपी का वही काम है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ विभाजन पैदा करते हैं। हम देश को जोड़ना चाहते हैं, वो धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। और धर्म का अर्थ क्या है? मनुवादी, ये मनुवादी सोच और मानसिकता और नीति और मनुस्मृति आधारित दलितों के ऊपर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, इतना बड़ा हमला कर रहे हैं और इसलिए आज एक होकर हम लोग लड़ रहे हैं। मैडम एक बार वो नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भाई दलितों को मारो, मेरे सीने पे गोली मारो और ऊना कांड है और ये दुनिया भर के कांड है, लेकिन उन पे अभी तक इनकी कोई भी मतलब चुप्पी है, वो बोल नहीं रहे। ऊना कांड के सहारनपुर जो विक्टिम है जी, उनको जवाब दे दिया कि नहीं? उन्होंने कहा ये हिंदुत्व का जो तुम्हारा हमला है हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सब बौद्ध धर्म अपना लिया जी जी, उसका तो जवाब दे ही दिया। और मैडम अभी वो लाल किला भी उन्होंने गिरवी रख दिया है और ये आप क्या कहेंगे कि एक हमने इसका विरोध किया है जी। आप हमारे देश के ऐतिहासिक जो प्रतीक है, आप कॉर्पोरेट घरानों को, आपके पास इतना पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया वैसे भी टैक्स में आप दे रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट्स को, और अभी आप हमारे देश की विरासत को भी देना चाहते मुनाफा के लिए, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है।